मेरे खुद के नहीं आ रही बोल, सब चीज आई नहीं रही बोल, आई नहीं रही, हाँ नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, दिखा दो एक साल बाद दारू पीने जा रहा हूँ, दारू पैसे की पी रहे अपन, पैसे की पी रहे तो पैसों की वो भी तो बनवा लो, अकाउंट में पैसा तो आना चाहिए सब्सिडी का, नहीं आ रहा तो सरकार तो खा रही है, सरकार कहाँ से खा रही है, बीजेपी सरकार तो खा रही है, जानू बोलो आपको लोगों के चार सौ टंकी आती थी पहले, आजकल है ना गाँव में जा रही है, मोदी सरकार ने बोला, मोदी जी ने कि है ना मेरा एक भी % काला धन हो ना नोटबंदी में, एक भी रुपया काला धन का हो तो मेरे को जेल के किसी भी चौराहे पे हटा करके जला देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, सारा हिसाब दिया एक एक रुपए का, और है ना सब्सिडी कहा था मोदी जी ने किया ना, इनके चार चार सब्सिडी दिए वो तीन तीन ही लियो, आपको नहीं दिया मीडिया पे जाके देना आज तक पे जाके, अरे एक मिनट रुको, ये मोदी जी ने नोटबंदी करवाया उससे क्या फर्क पड़ा, नोटबंदी से 17% काला धन अभी निकल गया, वो है ना 100% में दिखा रहे सब, कितने जने मरे, कितने जने कौन मर गया, लाइन में तो सभी लगे होते हैं, मोदी की माँ भी लगी थी लाइन में, तो क्या उसने छोड़ दिया परिवार, इसलिए बोल रहा आज आप, मोदी जी शादी हो गई है, मोदी जी की शादी हो गई है, मोदी जी ने शादी नहीं करी, आरएसएस का नेता है, तो आज भी बोलता हूँ शादी हो गई लुगाई है, कौन कहता है, पुष्कर माई थी अभी अगले महीने, वो ना आप जो बोल रहे हो ना वो आज तक पे आया था वायरल टेस्ट, उसमें आया अखबार में आ गई, भले सी आज तक दुनिया का नंबर वन चैनल है भारत का, उसमें वायरल टेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसमें ये सब झूठा करार दिया गया है, और है ना उसके बाद राहुल गांधी जो कह रहा था मैं शिव भक्त हूँ, मेरी फैमिली शिव भक्त है, वहाँ पे जाके उस पर सवाल उठ गए कि ये है ना गैर हिंदू है, क्या बात, ये सब्सिडी बंद हो जानी चाहिए, नहीं हो जानी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, मैं तो भैया बोल रहा हूँ बीजेपी सरकार आनी चाहिए, तो मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी, आप करो तो सही कोई काम, सब कुछ कर ली बैंक में, आधार कार्ड और पासबुक जमा करा दी, आज तक भी नहीं आ रही, भाई आपके बीजेपी पे पोलिंग बूथ है, लेकिन जो है ना एक अभी बाहर खड़े थे तो वो गणेश को मैंने श्री मजारी को मोटा श्री मजारी को मैं कह रहा हूँ अगर मैं स्पीच करूँगा ना तो मैं सिर्फ नवाज शरीफ पे करूँगा, मैं सिर्फ नवाज शरीफ पे वो करूँगा कि वो करे, मैं मरियम नवाज पे नहीं कर सकता, क्यों मरियम नवाज अच्छी है, अच्छी तो करप्ट है वो भी करप्ट है, करप्ट है, लेकिन हम वुमन को कुछ कह नहीं सकते, वुमन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वेरी गुड, हमें ये नहीं कि वो बस, लेकिन अगर वुमन करप्ट हो तो फिर, अगर करप्ट हो ना तो आप उनको कुछ ज्यादा उनके ऊपर उनके साथ मीन्स किसी जो होता है आपका जलसा उसके अंदर उसके ऊपर शॉक ना करोगे, आप ऐसा करके ऐसा कर दिया, देखिए इमरान खान भी सब नवाज शरीफ के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा ना करो उसके ऊपर तनकीद करते जाओ, आप सिर्फ मैन मन तो करो क्यों जैसे नवाज शरीफ है, अब नवाज शरीफ क्या आप सिर्फ करें, मरियम नवाज पे आ गया, हमें पता है ना कि पुलिस अभी करप्ट है, इन्वॉल्विंग मरियम नवाज हमदा शहबाज, आप एक फैमिली के पीछे बढ़ रहे हैं, हमें अपने आप को करप्ट नहीं करना चाहिए, हम क्यों वोट देते हैं उन्हें, हम ऐसे क्राप लीडर्स को जितने वोट देते हैं ये है आपकी तो फैमिली को भी वोट करती नहीं है, मैं कहता हूँ हमारी जो वोट जो होते हैं ना पीटीआई को सारी देते हैं, लेकिन वोट पता नहीं उनको किस चीज पे मिलते हैं, किस चीज पे मिलते हैं, 5,000 rupees एंड वन प्लेट ऑफ बिरयानी, आप कह रहे हैं वन प्लेट बिरयानी, आप कह रहे हैं कि मेरे पापा ने 2013 में भी इसको किया था 13 में और 2008 में भी पीएमएलएन को सपोर्ट किया था, इसका मतलब है कि आपके पापा ने 5,000 rupees बिरयानी ली थी, हमने नहीं ली थी क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि 2013 में भी पीटीआई को कोई जानता ही नहीं था, ठीक है पीटीआई तो पॉपुलर है पर जो ये पनामा लीक्स बनी है तब तो जानता ही नहीं था, क्या आपको लगता था नहीं पीटीआई ने पनामा लीक्स का एजेंडा इसलिए उठाया था कि वो पॉपुलर हो जाए और वो भी पाकिस्तान गेट क्राफ्ट का वो मत बन जाए, नहीं किया था एक जर्मनी की थी वो लड़ी थी उन्होंने इशू किया था, उन्होंने सारा कुछ करके पैनामा पेपर्स इशू किया था पाकिस्तान के सामने, तो तब मियां नवाज शरीफ का भी अंदर नहीं था, अच्छा ये कहते हैं कि मियां साहब जो है मियां नवाज शरीफ साहब इन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुवत बनाया, इन्होंने मोटर रेल बनाई है, इन्होंने लोड शेडिंग खत्म कर दी है, तो ये काम अच्छा लोड शेडिंग जो है ना वो तो अभी भी 16 घंटे लेती है 16 आवर्स और आईटमी जो है आईटमी तक
आश्रम नहीं बनाई थी, ये उन्होंने बनाई थी, क्या नाम है, डॉक्टर करीब। उन्होंने एक माउंटेन के ऊपर किया था एटम बॉम्ब, और जो है तब जुल्फिकार भुट्टो डॉक्टर करीब खान साहब यहाँ पे आए थे सरगोधा यूनिवर्सिटी, वो भी कहते थे जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ने मुझे सपोर्ट किया था और उन्होंने बनवाया था मशीन। नवाज शरीफ को क्यों क्रेडिट मिल रहा है? देखिए अब आप खुद अपनी बात पे गलत आ रहे अच्छा आप अभी छोटे हो ना, तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करोगे तो लोग आपको पता है यहाँ पे सोसाइटी कैसे होती है।